हम आज यहाँ 26 जुलाई 2023 मैं आया यहाँ, उन्होंने केस इन्वाइट किया है चीफ गेस्ट के रूप में। तो मैंने देखा यह स्कूल जो ये है क्लास 11 एंड 12 जो साइंस का जो है क्लास शुरू हुआ है। बच्चे जो है वो सुना है ये क्लास 1 से 8 तक है, वो 10 तक है वो जो स्कूल चलते हैं। देन 11 एंड 12 बेसिकली ये साइंस स्ट्रीम ये सुना है। तो इसमें आज इनका जो फ्रेशर्स मीट है, देन थोड़ा काउंसलिंग गाइडेंस के लिए तो ये किया। तो हमने देखा ये क्लास अच्छा है और बच्चे लोग भी दे आर वेरी एक्टिव। जो उन्हें प्रेजेंटेशन किया और जो आइटम उन्होंने शो किया, जो डांस आइटम रहा, देन सॉन्ग आइटम रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसको मेरा ये एडवाइस है कि और आप ये जो चीज़ को स्टडी में और ज़्यादा से कंसंट्रेट करें। और बच्चे लोग से यही अपील किया कि हमेशा लाइफ में डिसिप्लिन रहें और डिसिप्लिन से ही लाइफ बनता है। लाइफ अगर आप आईएएस ऑफिसर बनेगा या डॉक्टर इंजीनियर बनने से भी अगर आपको अगर डिसिप्लिन नहीं है तो उसमें भी आप बेकार वाला आदमी बन सकता है। एंड दैट इज़ वाई मैंने एक टिप्स दिया कि डिसिप्लिन जो अनुशासन होता है लाइफ में, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से मैं स्कूल मैनेजमेंट टीचिंग स्टाफ से हमने भी यही अपील किया कि वो लोग बच्चे को अच्छा से गाइडेंस करें, वो अपना रिपोर्ट जितना हो सकता है उनको देने का अपील किया। और देखा गया कि स्कूल ये अच्छा इन कमिंग डेज ये जो है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या नीट CSM में बच्चे क्वालिफाइड करेंगे। मैं विश करता हूँ कि बच्चे अच्छा से पढ़े और क्वालिफाइड करें। और आप सब जो है बच्चे सब जो है वो फ्यूचर ऑफ अरुणाचल है, फ्यूचर ऑफ इंडिया है एंड फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड है। सो इसलिए सब मेहनत करें बच्चे लोग। आप बच्चे लोग को मैं विश करता हूँ और स्कूल अथॉरिटी को भी मेरा ये अपील है, स्कूल को आज सही ढंग से आप चलाइए। और कोई क्योंकि आजकल बहुत फॉर्मेलिटीज होता है जो गवर्नमेंट का, उसको भी आपको फॉलो करना है। तो विद दिस थैंक यू। मैं आज यहाँ एज ए बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर आया हूँ। आज यहाँ एक लोग का फंक्शन था स्कूल प्रेमिशियस में, काउंसिलिंग एंड गाइडिंग एंड उन लोग का प्रेशियस मीट था। तो आके बहुत अच्छा लगा कि द स्टूडेंट और यहाँ का जितने फैकल्टी मेंबर्स है तो इन लोग का कम्बिनेशन को देख के, इन लोग के केमिस्ट्री को देख के, एक साथ इन लोग का जितने इंटरेक्शन है वो देख के लगा कि रियली दे आर गोइंग ए वेरी गुड जॉब। और यहाँ स्पेशली क्लास 11-12 जो स्टूडेंट है उसको NIT और JEE एडवांस के लिए जो प्रिपरेशन दे रहा है, जितने फैकल्टी मेंबर्स की बात सुनने का बाद मुझे ऐसा लगा कि रियली दिस इज डूइंग ए गुड जॉब। ये मदर टोनिया जो प्राइड स्कूल है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि आज हमारे स्टेट को स्पेशली अरुणाचल को एक एजुकेशन एक शिक्षित राज्य बनाने में अगर कोई बहुत सारे आज इसका संस्था है आज इतने एक्टिव से काम कर रहे हैं, उसका जुड़ा हुआ है सब। तो जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होगा तो उसकी कोई फ्यूचर नहीं है। और फ्यूचर को सिक्योर करना है तो कम से कम हम सबसे पहले प्रायोरिटी, सबसे नंबर वन प्रायोरिटी मुझे एजुकेशन में देना है। और एजुकेशन भी फिर दो तीन प्रकार के होते हैं। एजुकेशन एक मॉरल एजुकेशन है, सब्जेक्ट एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, इसकी मेंटल एजुकेशन है। और यहाँ में हमारे 80-90% स्टूडेंट जनरली वो एवरेज स्टूडेंट होता है। तो ये 80-90 स्टूडेंट को अच्छा मोटिवेशन नहीं मिलता है, अच्छा टीचर नहीं मिलता है, अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है, अच्छा ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी इन माई कम्युनिटी। पैसे नहीं है माँ बाप के पास, सोचना बहुत है और बच्चे बहुत उम्मीद लगा रखे हैं लेकिन माँ बाप के पास उतनी या अफोर्डेबल नहीं है।
बड़े बड़े महंगे महंगे कोचिंग इसका सेंटर है वहाँ नहीं उसका नहीं पहुँच पाता है। तो इस सिलसिला में अगर यहाँ में मदर तोनिया अपने ही नाहरलगुन पे जी एक्सटेंशन पे जो कोचिंग दे रहा है, दिस इज अ ह्यूमन सर्विस टू माय कम्युनिटी एंड ह्यूमन सर्विस टू द अरुणाचल के लिए फॉर माय स्टेट एंड विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड ऑफ ए डे टू कम, क्योंकि जितने बच्चे यहाँ से इंजीनियर डॉक्टर बनेगा ये मेरा भविष्य है, और जितने शिक्षित बच्चे होंगे उतने हम प्रगति की ओर आगे जाएंगे चलेंगे, वरना लेस एजुकेशन है तो लेस नॉलेज होता है, लेस नॉलेज है तो लेस डेवलपमेंट होता है। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, विश ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द फैकल्टी मेंबर हु इज डूइंग अ हार्ड वर्क टू मेक अ मोटिवेशन टू द स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली मैनेजमेंट कमेटी। और यहाँ में आज जितने रिसोर्स फॉर्चून आया हुआ है तो उन लोग को और एडलास में जितने भी क्लास 11 एंड 12 के स्टूडेंट जो अपने फ्यूचर को अपने मुट्ठी भर में देख रहा है, मैं आपको विश करता हूँ मेहनत करो, सिर्फ मेहनत करो, देयर इज़ नो अल्टरनेट एंड देयर इज़ नो रेप्लिकेशन फॉर ए वर्ड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तेरे साथ चल रहा है, तुम्हारे फ्यूचर को, तेरे ड्रीम को, तेरे डेस्टिनी को कोई नहीं छीन सकता इस दुनिया में, और इसलिए अभी का समय में सिर्फ मेहनत करो, मेहनत करो। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू टू द मदर तोनिया प्राइमरी स्कूल टू इनवाइट मी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। एंड आई एम फ्रॉम पासीघाट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एंड आई एम करेंटली टीचिंग इन मदर तोनिया प्राइमरी स्कूल एस ए बायोलॉजी टीचर क्लास 11 एंड 12। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नियाज अहमद, आई एम ए फिजिक्स टीचर इन MTPS, आई हैव 12 इयर्स एक्सपीरियंस इन नीट जे मेंस। हेलो एवरीवन, माइसेल्फ इज सोलिन फुकन, आई एम हियर टीचिंग एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी इन MTPS, आई हैव 18 इयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन केमिस्ट्री। हेलो एवरीवन, आई एम शहजाद आलम फ्रॉम पटना बिहार, आई एम बायोलॉजी फैकल्टी इन मदर तोनिया प्राइमरी स्कूल, आई हैव 6 इयर एक्सपीरियंस इन बायोलॉजी। आज का जो हमारा मदर तोनिया प्राइमरी स्कूल नीट IITJ कोचिंग सेंटर में आज का प्रोग्राम था ये, ताकि प्रेशर नीट कम नीट का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया था, तो उसमें ओरिएंटेशन एक्चुअली हम लोग का जो एजेंडा है वो रखा गया है कि हम लोग ओरिएंटेशन को रखा गया है। तो ओरिएंटेशन में क्या होता है कि दो प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक गाइडेंस देना होता है बच्चा को और एक है कि काउंसलिंग क्या कर काउंसलिंग करना होता है। तो गाइडेंस और काउंसलिंग में दो प्रकार का है, तो गाइडेंस बोले जाएगा तो इसमें कोई भी मतलब उसको काउंसलिंग गाइडेंस किया जाता है, गाइड किया जाता है, कर सकता है कि जैसे कि पेरेंट्स हो गया, जैसे कि एल्डर हो गया, और जैसे कि आपका दोस्त हो गया, तो वो गाइड कर सकता है। और दूसरा बात यह है कि कुछ कुछ स्टूडेंट हैं जैसे आर्टिकल पढ़ के या न्यूज़पेपर पढ़ के या कुछ मैगजीन पढ़ के, तो वहाँ से भी गाइड कर सकते हैं, गाइड ले सकता है, गाइडेंस ले सकता है। तो इसमें अभी जो प्रॉपर हम लोग ने काउंसलिंग किया गया है, तो काउंसलिंग में क्या है कि एक्सपर्टिस का ज़रूरी होता है, तो वो एक्सपर्टिस जो उसमें बच्चा को इंट्रैक्ट कराता है, इंट्रैक्शन करके बच्चा को सही दिशा में उसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है। तो कोई कोई ऐसा भी एक कोई कोई बच्चा होता है कि जो जैसे कि वो उसका मन में वो चाहता है कि उसका इच्छा जो उसका डिजायर ये है कि इच्छा है कि वो नीट ये जैसे कि बीटेक करना चाहता है, लेकिन भी ज़्यादातर उसका दोस्त लोग क्या होता है कि ज़्यादातर ये मेडिकल लाइन में जा रहा है, से तब वो जो बच्चा भी वो चाहता है कि वो भी सोचता है कि चलो हम भी मेडिकल लाइन में चलो ना, मेडिकल लाइन में वो भी जाना चाहता है, मतलब अपना डिजायर को अपना इच्छा को छोड़ के वो दोस्त का तरफ चला जाता है। तो वो सबको हम लोग काउंसलिंग किया जाता है। तो आज का काउंसलिंग का जो सेशन है बहुत अच्छा से गया है, डॉक्टर कृपाल ने बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग किया गया है, एंड जो जनरल सेक्रेटरी हमारा मिस्टर तुतर दुलोम सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट का, उसने भी अच्छा गाइडलाइन किया है, अच्छा मतलब काउंसलिंग किया है, वो भी एक अच्छा APSC का
ग्रेडर था, तो इसलिए वो अपना एक्सपीरियंस अच्छा से शेयर किया है। उसके बाद न्यादर लोया सर और गालो वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी है, उसने भी काफ़ी मतलब अच्छा गाइडलाइंस दिया है, गाइडेंस किया है बच्चा लोग को। उसके बाद ये मेरा फैकल्टीज है, सीनियर फैकल्टीज लाइक सोलिन फुकन सर केमिस्ट्री एंड नियाज अहमद फिजिक्स काफ़ी एक्सपीरियंस है, और आलम सजत आलम बायोलॉजी टीचिंग फैकल्टीज एंड उन्मित उत्तम पानी वो सब ने भी आज देख के बच्चा को पूरा दिन निकाल के अच्छा से मतलब गाइड किया है बच्चा किस तरह से उसको क्रैक करना है, किस तरह से वो करना है। तो वही है, तो आज का प्रोग्राम अच्छा रहा।